दादा किती लांब जाऊ? बस 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 दादा थोडं खाली वा. मैम एक फोटो ये मैम यहाँ पे. थैंक यू थैंक यू. ये दादा इलेक्ट्रॉनिक पीछा थोड़ा सर दिया मैम. एक सेकेंड एक सेकेंड दिया मैम दिया मैम. और क्या हमारे साथ एक बहुत महत्व मुहिम में जुड़े. मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी महसूस होती है कि आप सब ने आकर हमारे इस प्रोग्राम के आप हिस्सेदार बने.
क्योंकि आप जानते हैं और ये पहचान चुके होंगे अब तक कि कितनी कितना ज़रूरी है हमारे सड़क पे रहने वाले बच्चों को पहचान दिलाना, उनके हक दिलाना. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. सुनीता मैम, कितना मुश्किल होता है एक्टर को इस तरह इतना डिग्री जाके काम करना, कितना मुश्किल होता है? आई थिंक कोई भी चीज़ मुश्किल या आसान अपने आउटलुक और माइंडसेट से होती है. अगर आप दिल से चाहें कुछ अच्छा करना तो आप कितने भी मसरूफ़ हो, कुछ भी हो, आपके लाइफ में जगह इन चीज़ों के लिए बन ही जाती है और वक्त भी बन जाता है. जब से मैं सेव द चिल्ड्रन से जुड़ी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पर्सनालिटी में, मेरे कैरेक्टर में, मेरे चॉइसेस में, मेरे वैल्यू सिस्टम्स में कितना अंतर आया है. आई थिंक हम लापरवाह हैं इस ज़िम्मेदारी से, इस एहसास से कि हमारे देश में इतने बच्चे हैं जिनको वो बेसिक हक जो हम सबको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं वो उन तक नहीं पहुंची हैं. सर पे छत होना, माँ बाप का साया होना, शिक्षा प्राप्त होना, वो हर सहयोग मिलना जो बच्चों के लाइफ में उपलब्ध होनी चाहिए, खेलने कूदने का समय, पढ़ने का समय और सुरक्षित महसूस होने का समय. जब भी ऐसी बरसात होती है या मैं ड्रग्स से रिलेटेड स्टोरीज़ पढ़ती हूँ या उन बच्चों के बारे में सोचती हूँ जो अशिक्षित हैं, हमारे सड़कों पे रहते हैं, तो मेरा जी अंदर से घबराता है. मैं बहुत बेचैनी महसूस करती हूँ और मेरा एक ही तरीका है उस बेचैनी को झेलने का, वो काम करने से. जब मैं सेव द चिल्ड्रन के साथ काम करती हूँ तो जो वो बेचैनी है वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मैं एटलीस्ट ये तो जानती हूँ कि कुछ तो मैं कर पा रही हूँ. ना करने से अच्छा है कुछ तो करना. एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि दिया जैसी चैम्पियन एम्बेसडर, मैं तो बहुत मुझे लगता है हल्का शब्द है, शी इज़ एक्चुअली अ चैम्पियन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन. और इतने कम समय में इतना खुद को एम्बेड और अपना लेना, जो हमारा कॉज है, सेव द चिल्ड्रन इज़ अ 100 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, हम जैसे लोग 20 साल से काम कर रहे हैं इस सेक्टर में. बट दिया मतलब मैं अब तो 3 साल हो गए, बट मैं मुझे याद है फर्स्ट मीटिंग में और उसके बाद हम सरकार से मिलने जाने वाले थे कि हम मिनिस्टर से मिलने जाने वाले थे कि हमें उनसे ये मांग करनी थी कि बच्चों के लिए ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है. और इतने इजीली दिया ने मतलब शी जस्ट यू नो अंडरस्टूड एंड एम्ब्रेस्ड द इशू. और जब वो खड़ी होकर कुछ कहती हैं तो हम बोलते हैं तो 10 लोग सुनते हैं, दिया बोलती है तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल लिसन. एंड दैट इज़ द पावर ऑफ हैविंग समबडी लाइक दिया एज आर एम्बेसडर, एज आर चैम्पियन, नॉट फॉर सेव द चिल्ड्रन बट वो बच्चों के लिए. कि अगर आज 2 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो इस सिचुएशन में रह रहे हैं तो उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए हमें दिया जैसे और दिया से बेटर आई डोंट थिंक कोई एम्बेसडर हो सकता है. सो थैंक यू सो मच. मैं सामने बैठी हूँ इसके लिए तारीफ. कैसा फील करती हैं मनीषा जैसे, अभी जिक्र हो रहा था यहाँ पे मनीषा जैसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, वो आपके सामने आए और आपने कुछ प्रयत्न किया या ईशा मैम ने प्रयत्न किया, अब वो स्कूल जाएंगे, तो कैसा फीलिंग रहा उसका और कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं पहले भी कह रही थी कि जिस तरह का इंस्पिरेशन मुझे इन बच्चों से मिलता है वो शायद ही बड़े लोगों से मिलके मिलता है, क्योंकि जो हकीकत उनकी है, मनीषा की बात अगर हम करें, एल्फिंस्टन फ्लाईओवर के नीचे रहने वाली लड़की, अपने भाई बहनों की का ख्याल रखने वाली, खाना पकाती थी, अपने भाई बहन का ख्याल रखती थी, स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता था. उसने कुछ 5वीं या 6th क्लास में स्कूल जाना छोड़ दिया था. उसकी कोई उम्मीद नहीं थी आगे बढ़ने की लाइफ में. जब हमारा फाउंडेशन उसकी लाइफ में आई और सेव द चिल्ड्रन उसके लाइफ में आई तो उससे बात करके उसमें एक नई उम्मीद जगा के उसको हम स्कूल ले गए.
उसने आज 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम पास किए हैं, फर्स्ट क्लास लेकर आई है वो। तो इसमें एक उम्मीद जागती है कि अगर हम बदलाव लाने की कोशिश करें तो बदलाव होगा। और शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब शिक्षा मिलती है इन बच्चों को, तो इन बच्चों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो खुल जाती हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि दे लर्न टू नेविगेट लाइफ। वो रोड साइंस पढ़ते हैं, वो रूल्स समझते हैं, वो गलत और सही का अंतर जानने लगते हैं, तो वैसे ही उनके ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है। तो मैं ये मानती हूँ कि इन बच्चों को, जो हमारे देश के बच्चे जो सड़कों पर रहते हैं, मैं नहीं मानती कि हम देख के उनको अनदेखा करते हैं। ये गलत बात होगी, ये कहना गलत होगा। आई थिंक हम देख के मुड़ जाते हैं, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं होता कि बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं सबको यही कहती हूँ कि इन बच्चों से आप प्रेरणा लीजिए। मैं उनसे अपील करती हूँ कि उनको देख के आप अपना सर मत मुड़िए, क्योंकि जब आप उनसे पूछेंगे क्या कर रहे हो बेटा, कहाँ रहते हो, स्कूल जाते हो भी कि नहीं, आपको इस सवाल के जवाब मिलेंगे। और वो जवाब में ही आपको रास्ता नज़र आएगा कि आपको क्या करना है। एंड आई थिंक सेव द चिल्ड्रन ने ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर पब्लिक डोमेन में डाल के बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जानते कि बच्चे जो सड़कों पे रहते हैं उनके साथ हम क्या करें। मुझसे बहुत बार पूछते हैं लोग, क्या हम उनको पैसे दें, पैसे ना दें, उनसे पूछे कि वो स्कूल जाते हैं या नहीं, उनका स्कूल में दाखिला करवाएं, उनको पढ़ने के लिए किताब दिलवाएं, अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो ये कोशिश करें कि उन तक दवाइयाँ पहुँचाएँ, उनको डॉक्टर के पास ले जाएँ, और एक इंगेजमेंट बरकरार रखें उनके साथ। क्योंकि हम सबके मोहल्ले में ऐसे बच्चे हैं जो घर में नहीं रहते, उनको अपना दोस्त बनाएं। ये नहीं है कि आपको उनको वहाँ से हटा के कहीं और ले जाना है, नहीं, दे आर सर्वाइवर्स, दे विल फाइंड देयर वे, यू जस्ट नीड टू गिव देम एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सिक्योरिटी। देखिए, हम सब जानते हैं कि समाज में सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। यू नो, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली रैंकल्स माय हार्ट। आई गेट वेरी टेरिफाइड व्हेन आई थिंक अबाउट इट। इट्स नॉट जस्ट सेक्सुअल प्रेडेटर्स, इट्स ड्रग डीलर्स, दे आर ड्रग पेडलर्स। आप मैम परसेंटेज, अपने बच्चों का परसेंटेज कितना बढ़ गया है ड्रग एडिक्शन का मुंबई में, आप जानते हैं? Considerably, exact number I don't know, but considerably. So they're smelling glue. Yes. There is all kinds of addiction, and it's heartbreaking. And it has to change. How can it change? We have to give them access to rehabilitation. We have rehabilitation centers. Meri mom ek rehabilitation center mein kaam karti hai. और मैं जानती हूँ कि परसेंटेज बच्चों का ड्रग एडिक्शन में कितना बढ़ गया है, स्पेशली बच्चे जो स्ट्रीट सिचुएशंस में रहते हैं। दूसरा, गुड टच बैड टच। अगर हमारा फाउंडेशन और सेव द चिल्ड्रन, ये जो कैंपेन है, ये मुहिम का हिस्सा बनाया है उन्होंने, बच्चों को पहचान दिलाना है, लेकिन उसके साथ साथ उनके हक का एहसास दिलाना है और उनको सुरक्षित करवाना है। आप सोचिए, बड़े मकान में रहने वाले, गाड़ियों में अपने बच्चों को भेजने वाले स्कूल, वो अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस नहीं करते। आप सोचिए, जो बच्चे सड़कों पे रहते हैं वो किस तरह सुरक्षित होंगे। लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों से बात कर चुकी हूँ, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और वो उनकी जो संगठन है वो बहुत बुलंद है। अगर कोई बच्चे को कुछ बाल भी बाका हो तो सारे दौड़ के आते हैं। उनको पता है कि कोई भी उनको कहीं ले जाना चाहता है या उनसे कहता है हम आपको टॉफ़ी देंगे या खाना खिलाएंगे, वो अकेले कभी नहीं जाएंगे। और हम बार बार बच्चों को यही सिखाते हैं कि कभी भी किसी के साथ अकेला कहीं मत जाना।
लेकिन इस एनजीओ हमारे फाउंडेशन का जो सेव द चिल्ड्रन है उन्होंने एक आइडेंटिटी दी है बच्चों को, ये बहुत कम करते हैं, तो इस इनिशिएटिव में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेव द चिल्ड्रन एक 100 साल पुरानी संस्था है जो दुनिया भर में काम कर रही है, चाहे वो ड्रग मतलब वॉर जोन्स हो, ये लोग जो है ना अपनी जान को दाव पे लगा के बच्चों की सुरक्षा करते हैं। अभी हाल ही में हमारे सेव द चिल्ड्रन के कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये ऐसे लोग हैं जो हीरोज़ हैं, ये असलियत के हीरोज़ हैं, और ये जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारा फाउंडेशन अभी 25 साल हो गए हैं, 29 साल हो गए हैं, ये है रियल हीरोज़ ऑफ सोसाइटी। अगर ये नहीं होते तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाते, और हमारी में हम में जो थोड़ी बहुत इंसानियत है वो भी नहीं बचती। गुड टच बैड टच की बात हो रही है, तो आपने हमेशा देखा है रिसेंटली 3 साल 4 साल 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उस पर आपका क्या व्यू है, किस तरह देखिए सब बात हो रहा है? जी मैम, हाल ही में मंदसौर एमपी में एमपी में 6 साल की बच्ची का रेप हुआ, मेरे ख्याल से उसके बाद आसिफा का हुआ उत्तराखंड। किसी भी बच्चे के साथ जब बलात्कार होता है, चाहे वो कहीं का हो, ये हमारी इंसानियत पे एक बहुत बड़ा धब्बा है, दाग है, हम दरिंदे हैं जो बच्चों को हानि पहुंचाते हैं, वो हम किसी के भी मज़हब के हो, हमारे अंदर की दरिंदगी दिखती है जब हम बच्चे को चोट पहुंचाते हैं। मुझे सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है जब हम ऐसे घटनाओं को लेकर उसको पॉलिटिसाइज करते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप पर कि हम ऐसे घटनाओं को एक पॉलिटिकल वेपन और टूल के जरिए यूज़ करके लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं। तो गवर्नमेंट साहब किस तरह की उम्मीद करते हैं कि अपने बच्चों के लिए? भाई मंदसौर में देखा गया है, चाहे वो लोग हो जो उस जितने भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, सब आगे आए हैं, इन्वेस्टिगेशन इज़ हैपनिंग, द कल्प्रिट्स हैव बीन फाउंड, करेक्ट, the proper legal procedure is happening, yes. And that's how it should be everywhere. See, nobody in any part of the world should ever use caste or religion to make it an excuse to protect culprits of such crimes. Can I just, you know, the issue we are talking here today about is urban children. I understand. I think what we are seeing is, and what I do want all of you as media, friends of media, to remember is that when we talk about child protection issues, or we are talking about child rights issues, we are seeing that the population is growing in the urban settings. And I think the focus, and what I would really ask you all to emphasize and remember, is that if we are looking at the most vulnerable children, they are now living in our cities under our noses. So please use your voice to amplify their issues. Absolutely. And don't deflect from this issue by politicizing what I've said. I think it's so, so important for you all to bring awareness and consciousness and understanding of the fact, yes, that today in urban centers, the number of children living in street situations is increasing 1,000-fold. Yes. We need to do everything we can to give them identity, to give them access to education, to protect them and make their lives secure. And if we don't do that, and I'm saying it again, if my friends here in the media don't use this opportunity to do that, we would have all failed. चलते चलते आखिरी सवाल, संजू को लेके बहुत अच्छी ओपिनियन मिली है, पब्लिक का साथ मिला है, और आपके अभिनय को देख करके खास करके लोगों की आंखें नहीं बल्कि सांसें भी थम गई क्रिकेट में, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सारे, मतलब जितना प्यार इस फिल्म को मिल रहा है, संजू को मिल रहा है, हम खुशी की मतलब इंतहा नहीं है, हम सब बहुत बहुत खुश हैं कि लोगों को फिल्म इतनी पसंद आ रही है। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इतने अच्छे फिल्म का हिस्सा बन पाई, और सबसे ज़्यादा इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर पाई। राजू ईरानी सर मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ पहले लगे रहो मुन्ना भाई में काम कर चुकी हूँ,
और मेरे हिसाब से काम तभी खूबसूरत होता है जब आप अच्छे लोगों के साथ काम कर पाते हो। और खुशी मेरी और भी बढ़ गई है कि लोगों तक ये प्यार और ये जो एहसास के साथ हमने फिल्म बनाई वो पहुंच गया। थैंक यू। मैं बहुत सारे ट्रू लाइफ स्टोरी से इंट्रीग हूँ। आई थिंक हमारे देश में ऐसी काफ़ी कहानियाँ हैं जो फिल्मों में बन सकती हैं और हमें के बायोपिक पे बननी चाहिए फिल्म, क्योंकि उनकी किस्से और कहानियां अभी ये मैच करती। अगर मुझे कोई बायोपिक बनानी होती तो मैं अमृता शेरगिल के लाइफ पे बायोपिक बनाती, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थी। दुनिया में उन्होंने बहुत बड़ी पहचान बनाई अपनी और बहुत कम उम्र में वो चल बसी और उन्हें भी बच्चों से बहुत लगाव। मैम, इसके अलावा मैम बॉलीवुड में एक और शॉकिंग न्यूज़ आ रही है, इरफान खान के बाद में सोनाली बेंद्रे को भी कैंसर की खबर आ रही है, क्या कहना चाहिए? मैंने आई हैवंट हर्ड अबाउट, रियली सॉरी। एज वी ऑल नो आप चाइल्ड राइट्स बहुत सपोर्ट करती हैं, लेकिन डू यू नो कि वी आर वर्किंग फॉर चाइल्ड राइट्स गवर्नमेंट? आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन द इन द राइट डायरेक्शन, रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्स एजुकेशन के बारे में रॉन्ग डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। बिकॉज द मेंटालिटी जिस पे वर्क होना चाहिए कि चाइल्ड को कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन के बारे में जब एजुकेट किया जाएगा तो इट वुड इफेक्ट ऑन द रूट डायरेक्टली। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि बिकॉज आई एम बीइंग माईसेल्फ अ स्टूडेंट, मैंने भी बहुत सारे एनजीओज में काम किया है, माईसेल्फ ओन्स अ कॉलेज, so I have to myself tried, but in the end it stops somewhere. So what do you don't have to stop do? And can I just add? Can I just add something to that to say that the government is now working on a curriculum for life skills to be embedded in the curriculum, and that has to include, see, I think sometimes we make the mistake of saying that sex education is the only thing. Life skills is about coping with any difficult situation that you come across in your life. We have seen in our Save the Children programs, when children have been empowered with life skills, they are able to prevent their own marriage before the age of 18. They are able to prevent children from working before the age of 18. They are ensuring that children are going to school, and they are ensuring that violence against children is no longer tolerated in communities. So I think that we are really hopeful that the entire life skills curriculum that the MHRD is working on will actually help in schools will help take this forward. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बच्चे सड़क पे रहते हैं, उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता है। हालांकि मनीषा बचपन से एल्फिंस्टन फ्लावर के नीचे रही है ना, कितने साल का तो यहाँ पे उनका आधार कार्ड बनाने के लिए हमारा फाउंडेशन का एड्रेस लिखते हैं और उस पर आधार कार्ड बनता है, या नहीं तो स्कूल रजिस्ट्रेशन, स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट, करेक्ट? और इससे हॉस्पिटल में दाखिला होता है, स्कूल्स में दाखिला होता है, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड बन जाता है। नेक्स्ट।